तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ आज। तुम्हें दर्श नहीं आता मुझ पे, मेरे हाल पे। लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो यार कि मैं जीने ही भूल जाऊं। मेरी उस्मान से शादी हो चुकी, मैंने बाबा से वादा किया है मैं ये शादी निभाऊंगी। मैं जाना होगा शक्ति, मैं अब तुम्हारी नहीं रही। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? हाँ, इतना दूर कि कभी याद भी ना। खुद को अजियत देके क्या मिला तुम्हें? पहुंच गई ना अस्पताल, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। ऐसे ही मुंह फेरे रहेंगे अम्मी, बात नहीं करेंगे अपनी मेहर से। अम्मी जान, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि शबरेश के मेरी जिंदगी में आ जाने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा, तो मैं कभी उसको अपनी जिंदगी में ना आने देती। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती आप लोगों को दुख पहुंचाने का। इतनी इतनी कोशिश करती हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई अज़ियत ना पहुंचे, लेकिन जाने क्यों हर बार आप लोगों की तकलीफ की वजह मैं बन जाती। लेकिन बाबा जान, अम्मी मैंने कह दिया उससे, मैंने उससे बता दिया कि अब उसकी जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने उसे कह दिया बाबा जान कि मैं अपने बाबा जान से किया वादा निभाऊंगी, और वो मान गया है, वो उसको समझ आ गई है, अब वो नहीं आएगा। इतना मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी कही भी बात से पीछे नहीं हटेगा। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ बाबा जान, अब कुछ गलत नहीं होगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। आप बस एक बार कहते, एक बार कहते हैं आप लोगों ने मुझे दिल से माफ किया। मैं देखे ना मेरी तरह प्लीज। इस बात प्लीज प्लीज।